नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लिटसेज चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेकर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पार्ट टू, यानी कि जो आज का हमारा चैप्टर है, दिस इज अगेन अ प्रेशर वेसल, बट हम कुछ अलग टॉपिक लेके आए। दिस इज द डिजाइन इक्वेशन ऑफ थिन स्फेरिकल शेल्स, क्योंकि अभी तक आपने जो भी प्रेशर वेसल में जो भी टॉपिक देखे होंगे दैट वॉज रिलेटेड टू सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल, यानी कि वो शेल कुछ इस तरह से दिखती थी प्रेशर वेसल, ओके, कुछ इस तरह से ये। तो बट आज की जो ये शेल है दिस इज द स्फेरिकल, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, और इसको हॉटन स्पेयर्स भी बोलते हैं, ठीक है, हॉटन स्पेयर्स। और इसको ज्यादातर कहां यूज किया जाता है, ज्यादातर एक्चुअली देखिए इसके अंदर हमें गैसेस भरी जाती है, ठीक है, और बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स होते हैं पोर्ट्स पे, पोर्ट यानी कि बंदरगाह पे, बड़े बड़े जहाज यानी कि जो भी गैसेस को लेके आते हैं, ठीक है, तो वो गैसेस को अदर क्या मतलब अलग अलग टैंकर्स में लेके आते हैं, अलग अलग प्रेशर वेसल्स में लेके आते हैं। तो ज्यादातर आपको ये जो हॉटन स्पेयर है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के पास देखने को मिलेगी, और ज्यादातर इसमें क्या स्टोर किया जाता है, गैसेस स्टोर की जाती हैं, या कोई भी लिक्विड जो अंडर प्रेशर हो, वैसे भी जो गैसेस होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो गैसेस ही होती है, मतलब मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि जो गैसेस होती है अगर आप उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वातावरण के प्रेशर पे लेके आ जाइए तो वो गैस ही होती है, बट आप उसको अंडर प्रेशर स्टोर कर सकते हो और उसकी स्टेट जो हो जाती है अंडर प्रेशर चेंज हो जाती है, वो गैस से लिक्विड में बदल जाती है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि कॉम्प्रेस करके आप ज्यादा गैस स्टोर कर सकते हैं, और ये जो प्रेशर वेसल हम यूज करते हैं दिस इज द थिन स्फेरिकल शेल्स। और याद रखिएगा अक्रॉस द थिकनेस, मतलब अगर इसकी थिकनेस ये है, ठीक है, अक्रॉस द थिकनेस जो स्ट्रेसेस होती हैं वो यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये थिन प्रेशर वेसल्स की कैटेगरी में आता है। और एक चीज मैं यहां पर बता देता हूं, कोई भी वेसल के अंदर, जैसे कि अगर आप प्रेशर कुकर, आपकी मम्मी खाना भी बनाती है, ठीक है, तो प्रेशर कुकर भी एक तरह का शेल है, प्रेशर वेसल है, ठीक है, अंदर प्रेशर स्टोर किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सम गास्केट, ठीक है, उसको डिजाइन किया गया है वन क्या बोलते हैं गॉज प्रेशर के मतलब प्रेशर पे, मतलब वन बार गॉज, ऐसा बोलूंगा वन बार गॉज या वन एटमॉस्फेयर गॉज प्रेशर पे उसे डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बट एक चीज तो मेरी रही गई कि अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज आपसे बहुत बड़ी सी रिक्वेस्ट कि आपने चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करने में भूल गया था, मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा हर बार लेके आता हूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखें तो आपके लिंक मिलेगा जहां से आप इसी चैप्टर यानी कि प्रेशर वेसल जो हमारा चैप्टर का नाम है उस पर जो टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हुए हैं, यूनिवर्सिटी बेस्ड सॉल्व क्वेश्चंस किए हुए हैं, मतलब यूनिवर्सिटी में आए हुए जो भी क्वेश्चंस हैं हमने सारे सॉल्व किए हुए, डेरिवेशन सॉल्व किए हुए हैं। अगर फिर भी कुछ रह गया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आए दिन काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आपकी वजह से हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हीट ट्रांसफर, केमिकल इंजीनियरिंग जो मेरा खुद का बैकग्राउंड है उसके भी काफी सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, अगर कुछ रह गया हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेके आने की, ठीक है, ओके। तो मेरी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि अगर आपको लगता है कि हमारी वजह से कुछ आपको बेनिफिट हुआ है, मींस बेनिफिट हुआ है और यूनिवर्सिटी मार्क्स मींस यूनिवर्सिटी एग्जाम में सॉरी आपको बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो प्लीज आपको जो भी ठीक ठाक लगे आप दिल खोल के डोनेट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे हम डिजाइन इक्वेशन अचीव करेंगे इस थिन स्फेरिकल शेल्स की, ठीक है, ओके। पहले मैं इसको मिटा देता हूं, ये जो मैंने बनाया था ये तो जस्ट टू टेल यू कि स्फेरिकल शेल होते कैसे हैं और उनका दूसरा नाम क्या था, याद रखिए हॉटन स्फीयर्स बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब आप देख रहे हैं कि हमने एक स्फेरिकल शेल बनाया हुआ, ठीक है, और मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो इसमें दो चीजें आपको मेन अहम देखने को मिलेगी, एक तो प्रेशर, यहां पर लिख देता हूं पी इज इक्वल टू प्रेशर, ठीक है, ओके। दूसरा है हमारा थिकनेस, ठीक है, जो पैरामीटर हमें देखने को मिल रहे हैं थिकनेस टी, देन योर स्ट्रेस। अब यहां पर एक खास बात यह है कि आपकी क्या बोलते हैं सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस दोनों एक ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे काटोगे वाई एक्सिस पे काटोगे या एक्स एक्सिस पे काटोगे, ठीक है, तो दोनों साइड से आपको सेम ही पोर्शन मिलेगा, मतलब अगर हम एक्स एक्सिस पे काटते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा आप देख लीजिए, नीचे वाला हिस्सा आप देख लीजिए। अब मैं समझाऊंगा कि मैंने एरोज क्यों बनाए हुए हैं, ठीक है, मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं इसको ऐसे काटूं तो कुछ इस तरह से दो हिस्से मिलेंगे, अगर मैं इसको ऐसे काट दूं मतलब ऐसे काट दूं वाई एक्सिस पे तो मुझे कुछ इस तरह से मिलेंगे, तो ये सिमेट्रिकल है, ठीक है, दोनों हिस्से समान कटते, तो इसी वजह से जो स्ट्रेसेस होती है, स्ट्रेस की वैल्यू होती है, जैसे सिलेंड्रिकल केस के मींस सिलेंड्रिकल शेल के केस में, ठीक है, आपने देखा होगा अगर प्रेशर वेसल हमारी सिलेंड्रिकल हो तो हमें दो तरह की स्ट्रेसेस देखने को मिलती है, तो जो डिजाइन इक्वेशन है वो बेस्ड रहती है हूप स्ट्रेस या सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस पे, बट यहां पर क्योंकि हमारा ये क्या बोलते हैं जो स्फीयर है कटने के बाद दोनों साइड में हमें सेम हिस्से मिलते हैं, यानी कि उसको सिमेट्रिकल बोलते हैं, ठीक है, तो उसी वजह से हमारा जो सिग्मा होगा यानी कि स्ट्रेस होगा वो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस एंड हमारा क्या बोलते हैं हूप स्ट्रेस यानी कि सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस के बराबर होगा। चलिए अब हम समझते हैं, ठीक है, अब देखिए इससे पहले कि हम करें एक चीज यहां पे समझना बहुत जरूरी है। अब आपको मान लीजिए कि थोड़ी देर पहले हमने इसको खोला हुआ था, ठीक है, तो अंदर जो वातावरण का प्रेशर होगा वो वन एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। अब हमने क्या किया है,
ठीक है, हो गया क्लियर? ओके, अब हमने क्या किया, ये इसका नोजल है मान लीजिए, ठीक है नोजल, हमने इसके अंदर चार्ज कर दिया कोई गैस, कोई भी गैस, क्लोरोफॉर्म, जो भी क्लोरोफॉर्म तो वैसे लिक्विड होता है, मीथेन, कुछ भी आप चार्ज कर दीजिए, ठीक है नेचुरल गैस। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं अंडर प्रेशर अब चार्ज करूंगा। मान लीजिए अंदर का जो प्रेशर हो गया है वो 5 bar का हो गया है, या 10 bar ले लीजिए, बहुत अच्छा वैल्यू है, ठीक है मुझे पसंद भी है। ओके, 10 bar का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर 10 bar, एक काम करते हैं, देखिए जो वातावरण का प्रेशर होता है वो 1 atmosphere होता है, या फिर बोल सकते हैं 1 bar होता है, ठीक है। तो वातावरण के कंपैरिजन में लगभग 10 गुना ज्यादा प्रेशर है, आप बार की जगह एटमॉस्फेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसे क्लोज कर दिया, अंदर आ गई नेचुरल गैस, ठीक है, इसमें जो मेन कंटेंट होता है वो मीथेन ही होता है, आई थिंक, हाँ ठीक है, हो गया ठीक है। तो ये अंडर प्रेशर आ गई, तो 10 bar का प्रेशर आ गया, तो फिलहाल मैं इस नोजल को मिटा ही देता हूं, ठीक है, अभी यह पूरी पैक है। ओके चलिए, तो अंदर मैंने बता दिया 10 bar का प्रेशर है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं मैं। ओके चलिए, तो अंदर आ गया 10 bar का प्रेशर, यानी कि पी की वैल्यू कितनी डाल दी मैंने, पी इज इक्वल टू 10 bar का प्रेशर। ओके, तो ये प्रेशर कुछ इस तरह से एक्ट करेगा, डायमीटर के अलोंग डायमीटर भी, अलोंग वाई एक्सेस भी, यानी कि अलोंग एक्स एक्सेस भी एक्ट करेगा, अलोंग वाई एक्सेस भी एक्ट करेगा। हो गया क्लियर? ओके, तो प्रेशर ही वो फोर्स है जो इस प्रेशर वेसल को बर्स्ट करना चाहती है, फाड़ना चाहती है, टियर करना चाहती है, ठीक है। अब देखिए, ये टियर आपके एक्स एक्सेस के भी अलोंग हो सकता है, या फिर वाई एक्सेस के अलोंग भी हो सकता है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, बट क्योंकि ये जो फटेगी, कौन फटेगी, यानी कि दो हिस्सों में ब्रेक होगी, अलोंग द डायमीटर होगी, आइदर आप एक्स एक्सेस से काट दीजिए, हमने नहीं काटना है, उसने प्रेशर नहीं काटना है। अगर प्रेशर ज्यादा हो गया, देखिए जो भी प्रेशर वेसल डिजाइन की जाती है उसे एक डिजाइन प्रेशर पे डिजाइन किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए अगर हमने इसमें 10 bar का प्रेशर रखा है, तो डिजाइन प्रेशर होगा इसका ज्यादा से ज्यादा जिन्होंने बनाया होगा, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर होंगे इसके, 12 bar या फिर 15 bar पर होगा, ठीक है। कभी गलती से प्रेशर ज्यादा भी जा सकता है, 10 बार या 15 बार पे से डिजाइन कर दिया, तो हमें कभी भी, और वर्किंग, देखिए डिजाइन प्रेशर अलग होता है, वर्किंग प्रेशर अलग होता है, तो वर्किंग हमने इस पे रखा है 10 बार के प्रेशर पे, ओके, बट डिजाइन इसे किया गया है 15 ले लीजिए, ठीक है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो 15 बार ज्यादा बेटर है, ठीक है, 15 बार पे इसे डिजाइन कर दिया गया है, और वर्किंग प्रेशर 10 बार है, उससे ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। हाँ, बट कभी कभी अगर अंदर का प्रेशर 15 बार के ऊपर चला जाए, तो वही, यही वो फोर्स होती है जो इसको ब्रेक कर सकती है दो हिस्सों में, मान लीजिए अलोंग द एक्स एक्सिस, और मान लीजिए अलोंग द एक्स एक्सिस ही हमें करना है, ठीक, अलोंग द डायमीटर, अब डायमीटर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो हमने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया, और ये हमने नहीं ब्रेक किया, ये प्रेशर की वजह से ब्रेक हुआ, प्रेशर की वजह से पैदा होने वाली प्रेशर फोर्स, ठीक है। तो अब आपको मालूम है कि अगर कोई चीज किसी, मतलब सपोज कोई पर्सन है, ठीक है, उस पर्सन को कोई मारना चाहता है, तो डेफिनेटली बचाने वाला भी होता है, तो वैसे इस केस में भी है, अगर प्रेशर फोर्स मारना चाहती है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहती है, तो बचाने वाली फोर्स भी होगी, उस फोर्स को बोलेंगे स्ट्रेस, सिंपल सी बात है, और स्ट्रेस इसके उल्टे डायरेक्शन में एक्ट करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज, एक चीज मैं बताने वाला था आपको, जब तक ये आपकी प्रेशर वेसल सेफ है, फट नहीं रही है, तो दैट मीन्स ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन कर रही है, यानी कि जितना प्रेशर है उतना स्ट्रेस भी है, सिंपल, समझ में आया? आफ्टर अचीविंग इक्विलिब्रियम, यहां पे लिख देता हूं, आफ्टर अचीविंग इक्विलिब्रियम, तभी तो ये स्फेरिकल शेल अपनी शेप बनाए हुए हैं, नहीं तो ये फट जाती। आफ्टर अचीविंग, हाँ ओके, स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, याद नहीं है, आफ्टर अचीविंग इक्विलिब्रियम, ओके, कहने का मतलब है कि प्रेशर फोर्स, देखिए इक्विलिब्रियम अगर अचीव होगा तभी ये शेप बनी होगी, तभी ये फटेगी नहीं, ठीक है। आइदर आप अलोंग द एक्स एक्सिस से कट करवा लीजिए, कट नहीं करवा लीजिए, उसमें खुद कट होना है, ठीक है, और या फिर वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम अचीव है, तो दैट मींस बस्टिंग फोर्स जो इसे ब्रेक करना चाहती है, यानी कि प्रेशर फोर्स, और जो इसे बचाना चाहती है, कौन सी, स्ट्रेस फोर्सेस, वो दोनों बराबर होंगी ही होंगी। अगर कोई भी फोर्स, ठीक है, अगर अंदर की प्रेशर फोर्स ज्यादा हो गई, तो दैट मींस उस दौरान आपकी स्ट्रेस फोर्सेस फेल हो जाएंगी, क्योंकि वो उसको एक्सीड कर गई, और फिर ये ब्रेक हो जाएगा, और उसके आजू बाजू जो भी पर्सन काम करेंगे वही वो गए, उनको इंजरी होगी, ठीक है, डेफिनेटली। तो आफ्टर अचीविंग इक्विलिब्रियम, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट बस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स, ये बोलेंगे, अब रेजिस्टिंग फोर्स को हम स्ट्रेस फोर्सेस बोलते हैं, रेजिस्टिंग फोर्स, ओके, लेट मी चेंज माय दिस वन, आई थिंक प्रॉब्लम इज देयर, हां दिया मेरा पेन, ओके ठीक है, लेट मी चेक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, या तो सबसे पहले हम बस्टिंग फोर्स निकालते हैं। अब बस्टिंग फोर्स क्या होती है, बस्टिंग फोर्स, ठीक है, चलिए अब हमें मालूम बस्टिंग फोर्स किस वजह से पैदा हो रही है, प्रेशर की वजह से, सो देयरफॉर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ओके। सो अगर मुझे क्या निकालनी है,
बस्टिंग फोर्स निकालनी है, ठीक है, वो किस वजह से पैदा हो रही है, प्रेशर की वजह से, ओके। सो फोर्स अगर निकालनी है, जनरल फॉर्मूला हमारा प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो ये हो गई हमारी बस्टिंग फोर्स एफ बी फोर्स, और ये कौन सी बस्टिंग फोर्स पी इंटू ए, हो गया क्लियर, ओके। अब पी कितना है, पी की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, यहां पे हमने अज्यूम किया था 10 बार का प्रेशर, ठीक है, फिलहाल हमने कोई वैल्यू वैल्यू नहीं लेनी, ओके। सो पी इंटू एरिया, अब ये एरिया कौन सा होगा, याद रखिएगा एरिया जो होगा, देखिए मैं ये प्रेशर वेसल है, एक काम करता हूं यहां पे नहीं, यहां पे बताता हूं अभी, ठीक है। देखिए ये जो मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, वैसे दो हिस्सों में डिवाइड मैंने नहीं किया, प्रेशर ने किया, ठीक है, क्योंकि प्रेशर एक्सीड हो गया आपके रेजिस्टिंग फोर्स है, और रेजिस्टिंग फोर्स क्या है आपकी लॉन्जिट्यूडनल, यहां पर बोल सकते हैं सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, जो बचाने की कोशिश करती है। तो ये देखिए जो आपको क्या बोलते हैं, ये कौन सा कलर है, ये दैट इज ब्लू, ब्लू ब्लू कलर, हाँ, जो ब्लू कलर है, यानी कि जो मैंने लिखा वो प्रेशर, प्रेशर एक्ट कर रहा है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, हमने इसकी यूनिट ली हुई है, तो प्रेशर हमेशा इसे दो हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करेगा, बट बचाने की कोशिश कौन करेगा, दैट इज योर जो ग्रीन कलर में मैंने स्ट्रेसेस बनाई है, याद रखिएगा ये भी स्ट्रेसेस हैं, मतलब स्ट्रेसेस ही हैं, इसकी भी यूनिट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में होती है, हो गया क्लियर, ओके। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अलोंग द, आप देख रहे हैं सर्कमफेरेंस एक्ट हो रही है, अलोंग द सर्कमफेरेंस मतलब कुछ इस तरह से एक्ट हो रही है, ठीक है। ये अगर ये सपोज इसका कट पोर्शन है, तो ये इसका जो ये है ना, क्या बोलते हैं, थिकनेस है ना, अलोंग द थिकनेस, या फिर बोल लीजिए कि जो अंदर का डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर से बनने वाला जो क्या बोलते हैं सर्कमफेरेंस है, तो अलोंग द सर्कमफेरेंस वो एक्ट करता है, या फिर अलोंग द थिकनेस बोलेंगे तो ज्यादा एक्ट करता है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कोई भी केस में सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस नाम देते हैं या हुप स्ट्रेस नाम देते हैं, तो ये ऐसे एक्ट करता है। अगर प्रेशर इसको इस डायरेक्शन में नीचे ले जाके प्रेशर वेसल को कट, मींस प्रेशर वेसल को कट करना चाहता है प्रेशर फोर्स, तो ये जो फोर्स है, ये जो उल्टी डायरेक्शन में निकल रही है, दैट इज योर, कौन सी फोर्स है ये, दिस इज योर रेजिस्टिंग फोर्स, यानी कि स्ट्रेस फोर्स, याद रखिएगा जो भी ग्रीन कलर में बनाई है ये मैंने सारी की सारी, और ये अलोंग द थिकनेस एक्ट करता है, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी, तो ऊपर वाले हिस्से को भी जोड़ना है ना, इससे इस वाले हिस्से को जोड़ना है, ठीक है, यहां भी यहां भी यहां भी, वैसे ही अगर प्रेशर इसको नीचे लेके जाना चाहता है तो ये ऊपर लेकर जाने की कोशिश करेगा। देखो ये वाली जो स्ट्रेसेस होती हैं, ठीक है, जो ग्रीन कलर की और ये वाली जो है, ये दोनों आपस में जुड़ने की कोशिश करवाती हैं, ठीक है, हो गया फिर, ओके चल। तो एरिया कौन सा होगा, ये वो ये वाला एरिया होगा जो अंदर का एरिया है, ये वाला, ये वो वाला एरिया है जिसको यूज करके प्रेशर यूज करता है, और इसी एरिया को यूटिलाइज करके वो उसे क्रैक करना चाहता है, फाड़ना चाहता है, टेयर करना चाहता है, ठीक है, हो गया। तो ये वाला एरिया, तो वो एक, और ये अंदर का इंटरनल डाया, याद रखिएगा ये इंटरनल डाया है, दैट इज योर डी, ठीक है, डाया डी है, तो ये वाला एरिया है जिसको मैंने अंदर से शेड किया है, जो अंदर से खाली दिख रहा है, तो मतलब अगर मैं यहां पर बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरह का एरिया दिख रहा है, और ये एक सर्कल को रिजेंबल करता है, और सर्कल का एरिया क्या था, पाई डी स्क्वायर बाय फोर, यहां पर लिख दे रहा हूं, दिस इज पाई डी स्क्वायर बाय फोर, हो गया। मेरे कुछ वीडियोस अभी काफी दिनों से यानी रुक रुक के आ रहे, कोशिश करूंगा मैं हर दिन कंटिन्यूअसली वीडियोस बनाऊं आपके लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा बस्टिंग फोर्स, तो यहां पर लिख लेता हूं, देयरफॉर दिस इज द बस्टिंग फोर्स, ओके, पाई डी स्क्वायर बाय फोर, ओके, पी तो लिख नहीं रहे, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, अब पढ़ते हैं रेजिस्टिंग फोर्स। अभी बचाने वाली फोर्स कौन सी है, आप देखिए स्ट्रेस वैल्यूज है, और स्ट्रेस वैल्यूज प्रेशर फोर्स के उल्टे एक काम कर रही है, ठीक है, और स्ट्रेस इज इक्वल टू, सॉरी, फोर्स अपॉन ये, अब ये है स्ट्रेस, ओके, ठीक है, और ये स्ट्रेस की वजह से पैदा होने वाली फोर्स जो बचाने की कोशिश करती है, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो स्ट्रेस से निकली हुई फोर्स है, ये कौन से एरिया पे एक्ट कर रही है, याद रखिएगा, ठीक है, तो कौन से एरिया पे एक्ट कर रही है, जिसको मैंने रेड कलर से शेड किया हुआ है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो देखिए, अगर मैं अंदर वाले सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उसको मैं यहां लेके आऊं, ठीक है, और उसको कट कर लूं, तो ये एक लाइन बन जाएगी, हो गया, ओके, और जो बाहर वाली थिकनेस है हमें क्या चाहिए, वो वाला एरिया जिसको मैंने रेड कलर से शेड किया हुआ, वही चाहिए, और वहीं पर आपकी कौन सी स्ट्रेस फोर्स एक्ट कर रही है, हो गया क्लियर, जो जोड़ना चाहती है नीचे वाले हिस्से को ऊपर वाले हिस्से से, सिंपल है, और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, और प्रेशर को पी से, ब्लू कलर से मैंने प्रेशर बताया हुआ, और ग्रीन कलर से मैंने सिग्मा बताया, हो गया क्लियर, ओके। तो मैंने क्या किया, अंदर वाला जो डायमीटर था, मतलब सर्कल था, उसको लिया मैंने, कट किया, एक लाइन बन गई। वैसे अगर मैं इस लाइन की लंबाई चाहता हूं, सपोज सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी, यही हो गया, तो इसकी जो लंबाई होगी वो पाई डी ही होगी, ओके, बट अब हो गया क्लियर, ओके, बट ये जो थिकनेस है, अगर मैं ये थिकनेस यहां पर बना दू, ये ऐसे, ये मान लीजिए ये जो थिकनेस है, दिस इज टी,
हो गया क्लियर। तो ये एक तरह का छोटा सा रेक्टेंगल हो गया जिसका एरिया मुझे चाहिए, इसी एरिया पर क्या बोलते हैं आपकी जो स्ट्रेस फोर्स एक्ट करती है और नीचे वाले एरिया को ये क्या बोलते हैं ऊपर वाले एरिया से जोड़ने की कोशिश करती है, सिंपली कि नीचे वाला जो पोर्शन है ऊपर वाले पोर्शन से जोड़ने की कोशिश करती है और इसी एरिया पे एक्ट करती है ये आपकी स्ट्रेस फोर्स। तो जिसको मैं शेड करता हूं रेड कलर से ताकि अगर आपको यकीन हो जाए कि ये वही पोर्शन है, ठीक है। चलिए चलो ये भी शेड हो गया। ओके अब मैं एक चीज बता रहा था आपको, जो ऊपर वाली लेंथ है ना, ऊपर वाली लेंथ है ये आपका सर्कमफेरेंस है और ये कहां से आया हुआ है, सर्कमफेरेंस की लेंथ है। ये अंदर वाले डायमीटर को मैंने कट किया, ये खुल गया, एक लाइन बन गई और ये जो थी ये आपकी थिकनेस थी ये वाली यहां से लेकर यहां तक। तो क्या हो गया, ये एक छोटा सा रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है इसकी, ये है पाई डी। ओके थिकनेस क्या है टी, तो एरिया क्या होगा पाई डी इंटू टी। ओके सो मैं यहां पे लिख देता हूं, देयरफॉर द फोर्स जो रेजिस्टिंग फोर्स है जो रोकने की कोशिश कर रही है, सो देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू एरिया। एरिया कितना है हमारा पाई डी टी। और याद रखिएगा आदर आप आपकी शेल ऐसे कट होती है या फिर ऐसे कट होती है, क्योंकि ये जो शेप है स्फीयर है ये सिमेट्री है, ठीक है। आप ऐसे भी कट कर लीजिए, ऐसे भी कट कर लीजिए, यही दो हिस्से मिलेंगे और ये हमेशा कट होगा अलोंग द डायमीटर या अलोंग द सेंटर बोल लीजिए, तो आपका जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो सेम ही आने वाली है, ठीक है। सो फिलहाल मैं यहां पर पुट कर लेता हूं, यहां पर जो होगा रेजिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा पाई डी टी। चलिए तो अब हमारा दोनों ये बराबर हो गए, तो फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूं और इक्वल करके दिखा देता हूं। नेक्स्ट वाले वीडियोस में हम क्या देखने वाले याद रखिएगा। सो बस्टिंग फोर्स इज पाई टी स्क्वायर इनटू पी अपॉन 4 इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स सिग्मा पाई डीटी, ठीक है। सो देयरफॉर डी एक डी कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू चाहिए थी हमें, ठीक है। तो सिग्मा यहां पर रह गया, सो पी एक डी यहां पर रह गया है अपॉन 4 तो है ही ऑलरेडी, टी यहां पर आ गया। ओके तो मैंने क्या बोला, ये हो गई हमारी स्ट्रेस की वैल्यू। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। वैसा तो आप देख रहे हैं कि ये है वाई डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में ज्यादातर हमने क्या देखा है, क्या बोलते हैं वाई डायरेक्शन में हमने क्या देखा था, दैट इज हाँ अलोंग द सर्कमफेरेंस जो एक्ट करता है वो वाली जो स्ट्रेस होती है, ठीक है, वाई डायरेक्शन में हो गया, वाई डायरेक्शन में वो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस होती है, ठीक है। आप देखेंगे कि जो प्रेशर भी है वो अलोंग द सर्कमफेरेंस ही एक्ट करता है। आई होप आप चीज से आपको समझ में आ गई होंगी, जो मैं सिलेंड्रिकल केस की बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ तो y डायरेक्शन, ये है हमारी y डायरेक्शन और y डायरेक्शन में आपने देखा होगा कि जो स्ट्रेस हमारी जो होती है इवन सिलेंड्रिकल के केस में वो हमारी, क्योंकि वहां पर भी जो प्रेशर एक्ट कर रहा था वो अलोंग द सर्कमफेरेंस एक्ट कर रहा था और वो दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। ओके तो वो हमारी स्ट्रेस होती है सिग्मा वन। ओके और जो x डायरेक्शन में एक्ट करती है, ठीक है, जब प्रेशर हमारा x डायरेक्शन में एक्ट करता है तो उससे पैदा होने वाली लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस होती है जो सिग्मा 2 होती है, बट इस केस में सिमेट्री होने की वजह से सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर है, तो इसी को मैं सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 कर दूंगा। तो ये हो गए हमारे डिजाइन इक्वेशन। नेक्स्ट क्या बोलते हैं वीडियो में हम देखेंगे कि चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन डायमीटर, चेंज इन थिकनेस कैसे लिया जाए, कैसे फाइंड आउट किया जाए इन केस ऑफ थिन स्फेरिकल सेल्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिएगा और शेयर कीजिएगा जो भी आपको ठीक ठाक लगे और कोरोना से अपने आपको जरूर सेफ रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और इंजेक्शन जरूर लगवाइएगा जो भी कोविड शील्ड या कोवैक्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।